ये जो नया शो आ रहा है 51 स्टाफ, उस पर जो कहानी है वो है हमारे पारे ख़ानदान की 51वीं संतान की। हमारे परिवार में 51वीं संतान को लेकर बहुत उत्सुकता थी, क्योंकि ये हमारे पुरोहित ने, कुल पुरोहित ने बताया था कि जो 51वीं संतान है वो बहुत सुख समृद्धि खुशहाली लेकर आएगी हमारे परिवार के लिए। तो मेरे पिताजी जो होते हैं, यानी कि जो हमारे कैरेक्टर हैं, मेन कैरेक्टर सुशील, उसके दादाजी, वो ये उम्मीद में लगा के बैठे होते हैं कि लड़का ही होगा, लेकिन आ जाती है लड़की। अब वहाँ पे जाके स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि हम ये नॉर्मल कंडीशंस में यही मानते हैं कि अगर लड़का है तभी सुख समृद्धि ला सकता है, अदरवाइज़ तो बेटी पराया धन होती है। तो उस चीज़ को कैसे सुशील ब्रेक करती है, ये उसकी जर्नी है। अब मैं बताना चाहूँगा मेरे किरदार के बारे में। मैं सुशील का काका हूँ, यानी कि चाचा। चाचा जो नीतीश पारिक मेरे कैरेक्टर का नाम है, वो बेसिकली थोड़ा एग्रेसिव सा, शॉर्ट टेम्पर्ड, गुस्से करने वाला बंदा है, लेकिन वो सही चीज़ के लिए गुस्सा करता है, जो चीज़ गलत है उसके लिए वो लड़ने में, फ़ाइट करने में बिलीव करता है। और यही सारी क्वालिटी उसने कहीं ना कहीं सुशील में भी डाली है। तो सुशील के अंदर जो एक फ़ाइटिंग स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप और एक लड़ने की जो प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं अपने उस काका के थ्रू आती है। तो आप देखेंगे कई सारी सिचुएशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर जब सुशील थोड़ी सी, आप अगर किसी चीज़ को लेकर संतुष्ट नहीं है तो उसके लिए आप आंसू बहाने के बजाय लड़िए, पसीना बहाइए। एक सीन में एक डायलॉग भी है, वो कहता है कि भाई कभी कभी आंसुओं से नहीं, इस पसीने से भी जी हल्का होता है। तो एक सिंबॉलिक तरीके से उसका कहने का मतलब ये है कि आप स्ट्रगल करें और आपको चीज़ें मिलेंगी। जो टीवी शो होता है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज होते हैं, लेकिन आपके शो में लेडीज बहुत कम है। जी जी जी, देखिए कारण बेसिकली यही है। पहली बात तो जैसे कुछ अलग करने की एक अलग कहानी है, तो एक आपको उसमें कुछ नयापन दिखाई देगा, तो मैं उसको एक तरीके से सकारात्मक मूव मानता हूँ कि कुछ हटके है। आपको टिपिकल जो सास बहू वाला जो एक वो रहता है इक्वेशन और वही सीन्स चलते रहते हैं, उससे कुछ अलग देखने को मिलेगा। तो आई बिलीव कि ऑडियंस को भी कुछ एक वेलकम रिस्पाइट मिलेगी यूजुअल ढर्रे से। और कहीं ना कहीं उस चीज़ के चलते सुशील भी जिस तरह की थोड़ी लड़कों जैसी हो गई है, उस चीज़ का रिजल्ट है वो एक। तो ये बेसिकली लड़कों पर है बनाए गए, जो लड़की लड़का बन जैसे कपड़े पहनते हैं जी, तो समाज में किस तरह से बैकफुट मिलता है वो है। नहीं, बेसिकली अगर आप कहानी में जाएंगे तो देखेंगे कि हम या घरवाले जो हैं वो उसको लड़का बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी है कि हमारे यहाँ कोई लेडी है नहीं, इसकी वजह से जैसे हम देखते हैं अपने बड़ों को, हम वैसा बिहेव करते हैं। तो क्योंकि सबके सब मर्द हैं, इसकी वजह से वो थोड़ी लड़कों जैसी हो जाती है, उसके पहनना, पसंद ना पसंद, थोड़ी उस जोन में चली जाती है। तो बेसिकली इसका मोटो यही है कि आप जैसे हैं वैसे आप खुश रहिए, और बाकी संदेश दूसरे परिवार वालों या सोसाइटी को भी जाता है कि कोई इंसान है तो उसका बदलने की बिकॉज ऑफ स्टीरियोटिपिकल नॉर्म्स कोशिश मत करिए। आप उसको जैसा है वैसा एक्सेप्ट करिए और उसकी स्ट्रेंथ पर फोकस करिए। आप देखेंगे कि सुशील ठीक है लड़कों जैसी है, लेकिन उसके अंदर कई सारी पॉजिटिव ऐसी चीज़ें हैं जो बाकियों में नहीं है, दूसरी लड़कियों में नहीं है। तो हम कि हाइट उसकी लंबी ज़्यादा है तो लड़का नहीं मिलेगा, या वो लड़कों जैसे कपड़े पहन रही है, लड़कों में शौक रखती है, तो उसको हम ज़बरदस्ती ठोक पीट के लड़की बनाने की कोशिश करें, तो वो गलत है। तो यही संदेश है बेसिकली। ओके, बॉन्डिंग कैसा रहा ऑफ स्क्रीन जो आपकी पोस्ट जी 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 उनके साथ कैसा रहा? जी बहुत अच्छा बॉन्डिंग है, एक परिवार वाली फीलिंग ऑफ स्क्रीन भी आती है, तो कहीं ना कहीं वो काम को आसान बना देती है। जब आप एक फैमिली में प्ले करते हैं, भाई हैं या पिताजी हैं, तो उससे अगर ऑफ स्क्रीन भी आपकी बॉन्डिंग कॉर्डियल रहती है तो काम आसान हो जाता है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे आप? आखिर में ये कहना चाहूँगा कि एक नई कहानी आ रही है, एक नई सोच के साथ, एक नया संदेश लेकर। तो दर्शकों को मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़रूर देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे स्टार प्लस पे 51। पहली बात तो मैं अपने बारे में बताऊँ। नमस्कार, मेरा नाम अनवर फतहान है, जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे। आप लोगों ने मुझे बहुत ही सीरियल्स में देखा होगा, 40 साल से काम ही कर रहा हूँ। आपने पूछा अभी कि जो आपका नया सीरियल आ रहा है उसमें आप एक सीनियर किरदार। जी हाँ, मैं इस 51 परिवार का मुखिया हूँ। मेरा नाम है बांकेलाल पारिक, इसमें बांकेलाल पारिक की भूमिका निभा रहा हूँ, और एक बिजनेसमैन का रोल है। तो जो कुछ सब कुछ अपना खो देता है, लेकिन मेरे परिवार के पंडित जो हैं वो बताते हैं कि जब आपका 51वां बच्चा पैदा होगा तो आपका सब कुछ वापस ले आएगा। तो मैं ऐसी उम्मीद में कि भाई चलो, बेटे की शादी हो गई है, बहू जो है वो 7वें महीने से है, तो मैं इस इंतज़ार में कि वो 51वां बच्चा आएगा तो मेरा धन दौलत, मेरी प्रॉस्पेरिटी, मेरी इज्जत सब कुछ वापस ले आएगा। लेकिन यहाँ तो लड़की पैदा हो गई। अब बांकेलाल पारिक
जो कैरेक्टर मैं निभा रहा हूँ वो कहीं ना कहीं बुज़ुर्ग है। आज भी हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मर गई, इसकी माँ भी इसको पैदा करके मर गई, मेरी बेटी भी मर गई एक एक्सीडेंट में, तो ये मेरे लिए शगुन है या अपशगुन है ये आप लोग तो देख कर ही बता सकेंगे। बाकी ये कहानी कुछ डिफरेंट सी है, आप इसे देखना शुरू करेंगे तो आप इसके साथ जुड़ जाएंगे। तो मेरी तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि आप लोग इसे देखें और मेरे सुशील जैसी बनने की कोशिश करें। बात करें तो जो आपकी ग्रैंड डॉटर है वो लड़कों के लिबास में रहती है, लिबास से जो ड्रेस अगर बात करूँ तो सेम उसकी तरह, तो ऐसा क्या है, मतलब क्या अलग है? देखिए क्या है कि घर में सिर्फ और सिर्फ चार आदमी हैं, दादा है, दादा के दो बेटे हैं और मेरे बेटे का बड़ा साला है जो लड़की का मामा है। तो हम लोगों ने इसको पाला है, चार पिताओं ने पाला है, तो घर में जब कोई औरत नहीं है तो उसके अंदर संस्कार कैसे आएंगे लड़कों जैसे लड़कियों जैसे, तो इसलिए वो लड़कों जैसी ही पली है। लेकिन दादा का कहीं ना कहीं ऐसा है कि जो संस्कार दे के मैंने अपने बच्चों को पाला है तो भाई लड़की है तो लड़कियों जैसी रहे, ये मेरा कन्फर्टेशन रहता है हमेशा कि लड़की है तो लड़की बन के रहे, तो डिनाई करते हैं। सिर्फ खड़ूस दादा तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ संस्कारी दादा, सोच विचार वाला, पुराने ज़माने का, पुराने ख्यालातों का मानने वाला, खड़ूस नहीं कह सकते। आपकी जो कैप है बहुत सुंदर कैप है, बहुत ही पुरानी, जो गांव में राजस्थान के जो गांवों में लोग पहनते हैं इस तरह की कैप, तो कुछ बताना चाहिए जब ये आप पहन रहे थे तो कितना टाइम लगा कैप बनाने में? ये मुझे जब सुबह में मेकअप करके पहनाते हैं तो 10-15 मिनट लगते हैं इसको पहन के बैठने में, लेकिन पहन के बैठना शाम तक बड़ा अजीब है। लेकिन ये तो पहले एपिसोड में ही उतर जाएगी, ये लड़की पैदा होते ही उतर जाती है, फिर वो कैसे पगड़ी मेरी मेरे सर पे वापस लाती है, यहाँ तक की जर्नी है मेरी पोती की, सुशील की। इसके अलावा क्या कहना चाहिए आखिर में, आप दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे आपकी सीरियल के लिए? मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि मुझे जितना प्यार आपने दिया है आज तक, मैं आपका एहसानमंद हूँ और आगे भी मुझे देंगे, लेकिन मैं पर्टिकुलर इस सीरियल के माध्यम से आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इसके साथ जुड़ें और देखें कि हमारी कैसी फैमिली है ये और ये किस हद तक आपको अच्छी लगती है। मुझे तो पूरा यकीन है, एतबार है, विश्वास है कि आपको बहुत पसंद आएगी ये कहानी। आप जुड़ें तो एक बार, सुशील के साथ जुड़ें, आप सुशील जैसा बनेंगे तो देखना मत भूलिएगा। 13 नवंबर से स्टार प्लस पे 51 में मुझे और मेरी फैमिली को 8:30 बजे। एक्शन। ये दादा का तकिया कलाम था। और अभी हाँ अभी हम लोग बात करेंगे नई शो स्टार प्लस के नए शो 51 की। 51 स्टोरी है सुशील की और उसकी पारिक फैमिली की। सुशील अपने खानदान की 51वीं संतान है। दादाजी जो कि यहाँ पर बैठे हैं हमारे साथ में, इनको किसी पंडित ने बोला था कि आपके खानदान की 51वीं संतान आपकी खोई हुई धन संपत्ति मान सम्मान खुशियाँ लौटाएगी। तो क्योंकि बुज़ुर्ग हैं, थोड़े ऑर्थोडॉक्स दिमाग के हैं, तो इनको लगा कि 51वीं संतान तो लड़का ही होगा, पर वो हो गई आपके सामने बैठी हुई सुशील जो कि बचपन में तो बहुत छोटी सी थी पर अब ताड़ का पेड़ है। तो उसी की स्टोरी है 51 और आप यहाँ पर मेरे साथ बैठे हुए देख रहे हैं चार पिताओं को। यही है यूनिकनेस स्टोरी की कि सुशील को उसकी फैमिली में किसी औरत ने नहीं बल्कि उसके चार पिताओं ने पाला है। उसके चार पिता हैं, यहाँ पर बैठे हैं काका, मामा, पापा जो कि प्यार से मैं मापा बुलाती हूँ, और ये है मेरे दादाजी। तो ये सब तो मेरे पिता, ये जो मेरी चार माएँ बैठी हैं यहाँ पे, ये शेयर करेंगी कि हमारी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग कैसी है। जो हमने शुरुआत की ना, ये हमारी बॉन्डिंग है, ये हमारी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग है, ऑन स्क्रीन जो कि हेल्प करती है हमारी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग। तो
ये जो जो ये जो स्माइल है, जो जो ठाके है, ये हमारी ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग है. ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग में तो ये है कि ये जो मेरे फादर है, सुशील के दादा, वो खफा है इससे. हम तीनों एक साइड है और हमारे दादा है जो मेरे फादर है वो एक साइड है. तो ऑफ स्क्रीन जो हमारी बॉन्डिंग है वो तो बहुत ही अच्छी है. ठाके होते रहते हैं. ये और प्राची हमारे ऑफ स्क्रीन की जान है. ऑफ स्क्रीन तो ऐसा है कि मैं चाहता हूँ कि लड़की जो है वो लड़की जैसी रहे और लड़के जो हैं वो लड़के जैसे रहे, संस्कारी बने, ये बने. और मैं ऑफ स्क्रीन चाहता हूँ कि सुशील जैसी है वैसी ही रहती रहे. ये बॉन्डिंग हमारी. हाँ, कौन बोला खड़ूस? नहीं, सुशील ने तो बिल्कुल नहीं बोला. संस्कारी है, अपने 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 विचार होते. ये उनकी सोच है, ये इनकी इंडिविजुअल क्वालिटी है. भाई मेरी सोच नहीं है, ये यूनिक सोच है. मेरी उम्र के लोग जो सोचते हैं वो दर्शाने की कोशिश की. ऑन स्क्रीन बॉन्डिंग जो मेरी सुशील के साथ है, मेरा किरदार का नाम है नरेश, जो कि मामा का किरदार है. नरेश जो है बहुत हैप्पी गो लकी, बहुत लाइफ को इजी लेने वाला, सीरियस नहीं लेता लाइफ को कभी भी. लाइफ में अगर प्रॉब्लम आती है तो भैया बोलता है देखो दो तरीके हैं लाइफ में झेलने के, एक तो हंस के झेलो या तो फिर रोते रोते झेलो. तो हंस के सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता है ये. सुशील के साथ जो इसकी बॉन्डिंग है ये बहुत ही मतलब अजीब यूनिक मैं किस्म की बॉन्डिंग बोलूँगा कि अगर वो कोई भी झगड़ा करके आएगी तो सबसे पहले आके मुझे बताएगी. कोई भी अगर किसी को मार के आ रही है, झगड़ा कर रही है, किसी ने छेड़ दिया, कोई लड़के ने परेशान कर दिया, तो सबसे पहले आके मुझे बताएगी. बहुत ही फ्रेंडली, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही हंसी वाली मतलब कॉमेडी टाइप की बॉन्डिंग जो है वो हम दोनों की. हाँ, जैसे अगर किसी लड़के को इसने छेड़ दिया वो भी आकर बताएगी. जी नमस्कार, मैं प्ले कर रहा हूँ नीतीश पारिक के काका यानी कि चाचा. जैसा कि बताया सुशील ने, इनके चार पिता हैं फैमिली में, तो उसमें से मैं भी एक हूँ. कहीं ना कहीं सभी का सुशील की ज़िंदगी में और जैसी भी सुशील है उसमें एक इम्पैक्ट है. अब मेरा इम्पैक्ट इस तरीके का है कि जैसा मेरा खुद का किरदार है कि थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड, खरी खरी बोलने वाला, एक एग्रेसिव सा बंदा जो कि यू नो गलत को गलत बोल देता है, सही को सही बोलता है. और अगर इन्फ्लुएंस उसको काका के थ्रू आया है तो काका से चाहे अनचाहे वो सीख गई है. तो एक ये चीज़ है. बाकी अगर ऑफ स्क्रीन बॉन्डिंग की बात करें, जैसे अभी आपने देखी मस्ती, तो वो ऑफ स्क्रीन ही है हमारी. हमें ज़्यादा मतलब उसमें एक्टिंग नहीं करनी पड़ती है. तो ये एक ख़ास बात है. आप देख रहे होंगे ये आप टेलीकास्ट में देखेंगे. वैसे तो हमें बहुत कम टाइम मिल पाता है कि हम यहाँ पे शूटिंग के अलावा कुछ करें, क्योंकि बैक टू बैक हमारे सीन्स होते हैं. 12 घंटे लगातार हम शूट में बिजी रहते हैं. बट हम नॉर्मली बहुत मस्ती करते हैं, साथ खाते पीते हैं, अगर कोई गाना वाना सुनना होता है तो साथ गाना सुनते हैं. अभी रिसेंट मैं DJ बनी हुई हूँ सबकी, जैसे अभी मामा ने थोड़ी देर टाइम पहले बोला. ओके, मामा साथ वाले रूम से बोलते रहते हैं. इनका जो रूम है ना, मेकअप रूम, वो मेरे रूम के बगल में है. तो आजकल क्या है, ये इतना बड़ा सा कुछ स्पीकर टाइप का कुछ ले आती हैं और जोर जोर से गाने बजाती रहती हैं. तो क्या एंटरटेनमेंट फ्री है हमारे यहाँ. तो मैं इनको कॉल करके बोलता हूँ भैया DJ वाले बाबू मेरा गाना बजा दो. देखो दादा क्या बोल रहे हैं. तो दोस्तों 51 सुशील आपसे आपके घर में 13 नवंबर से 8:30 बजे आ रहे हैं. 51 और आपको देखना है सुशील को, और सुशील जैसा बनना भी है.